जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका सेलेक्शन कुछ नंबर से रुकने जा रहा है और वो बहुत दुखी है और परेशान है। प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने 2020 में रैंकर बैच शुरू किया और सिर्फ उनका एक अलग ग्रुप बना के साल भर उनकी पढ़ाई हुई, टेस्ट हुआ। और अगर आप किसी को जानते होंगे न्यू लाइट में सेलेक्ट हुए बच्चों को तो रैंकर बैच के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए 2021 में सुपर रैंकर बैच बनाया और उसका रिजल्ट था कि सुपर रैंकर बैच से करीब 73 बच्चे सेलेक्ट हुए। 2022 में इसको हमने कंटिन्यू किया सुपर रैंकर के रूप में और जितने बच्चे 2021 में सेलेक्ट हुए 22 में उनका नंबर करीब करीब डबल होने जा रहा है। अभी एनटीए के आंसर की नहीं आई लेकिन बच्चों ने अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके बताया। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2023 के लिए एक बहुत अच्छे प्लान के साथ हम लोग आपकी तैयारी शुरू कराने जा रहे हैं। मुझे पता है बच्चों, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, सब लोग साथ छोड़ चुके होंगे, पैसे की भी प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं 2023 में, इसको जरा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहली बात तो यह है कि एसआरबी बैच क्लास शेड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम बेटा 12 तारीख से था, 12 को रक्षाबंधन हो गया इसलिए 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और बेटा देखिए, 30 अगस्त तक हम लोग आपका इतना सिलेबस कल कंप्लीट कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, इसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों, 30 सितंबर तक का हम लोग का ये शेड्यूल है, 30 अक्टूबर तक का ये शेड्यूल है, 30 नवंबर तक का शेड्यूल, 30 दिसंबर और अल्टीमेटली 31 जनवरी तक हम लोग ये आपका पूरा कोर्स करा देंगे। प्यारे बच्चों, सुपर रैंकर बैच में हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं हम लोग। अब देखिए क्या क्या है। पहली बात तो नीट आईपीएल कराया 2022 में, जिसका बहुत शानदार रिजल्ट मिला। कुछ ग्रुप के बच्चे तो सारे सेलेक्ट हो गए, कुछ ग्रुप में कुछ बच्चे बच गए। जो बच्चे नहीं हो पाए उनसे कहेंगे कि जरूर आप 13 तारीख से बैच ज्वाइन करिए, ये नीट आईपीएल की शुरुआत हुई। अब बच्चों, ये नीट आईपीएल क्या होता है, हमने आप सब बच्चों को 20-20 बच्चों के ग्रुप में बांट दिया और टेस्ट में जो स्कोर आए उसको 20 से डिवाइड किया और जो टीम जीती उसको प्राइज मिला। ये नीट आईपीएल चला, लेकिन थोड़े समय के बाद बच्चों ने कहा कि सर सबके साथ टेस्ट देना है, इसलिए इसको नॉर्मल में मर्ज कर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये नीट आईपीएल लास्ट तक होता तो रिजल्ट और शानदार हो जाता। तो ये नीट आईपीएल एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि बच्चों हमारा काम है आपसे मेहनत करा लेना। तो 20-20 का ग्रुप था, बच्चे टेस्ट देते थे, उनका स्कोर जोड़ा जाता था, उनके ग्रुप में उतने नंबर से डिवाइड किया जाता था, उसके बाद कौन सी टीम फर्स्ट आ रही उसको हम लोग देखते थे और प्राइज भी देते थे। बहुत बच्चे मोटिवेट हुए, एक दूसरे की हेल्प की और उसका शानदार रिजल्ट 2022 में बच्चों हम लोग को मिलने जा रहा है। दूसरा बच्चों, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आप अपने आप सॉल्व कर लेते हो एक दूसरे से। एवरी मंथ देयर विल बी 5 टेस्ट इन एसआरबी बैच, फिजिक्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इंडिविजुअल सब्जेक्ट, बायोलॉजी इंडिविजुअल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बेटा एक टॉपिक वाइज टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट बच्चा हो सकता है कि महीने में आपके 2 हो जाए, 2 टेस्ट इन मंथ। तो हमने बच्चों देखा 2021 से क्लास कम हुई, 2022 में एसआरबी बैच में टेस्ट बहुत ज्यादा हुए और उसका इफेक्ट ये आया कि रिजल्ट बहुत शानदार आने जा रहा है। बस एनटीए के आंसर की आने दीजिए। स्ट्रांग मोटिवेशन विद सेलेक्टेड स्टूडेंट, बेटा न्यू लाइट में एक खास बात है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो 2 या 3 बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, उन गाइड करते हैं और उनको सेलेक्ट कराने में मदद करते हैं। तो सेलेक्टेड बच्चों से स्ट्रांग मोटिवेशन, वंडरफुल रिजल्ट इन 2019-20, 21 एंड 22। 22 का रिजल्ट तो बहुत ही शानदार होने जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स आप सेम कैलिबर। बच्चों इसमें क्या खास बात है कि इस बैच में सारे के सारे बच्चे सेम कैलिबर के होते हैं, एक जैसे होते हैं, सबकी प्रॉब्लम एक जैसी होती है, सबका ज्ञान भी करीब एक जैसे होता है, तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और उनको सफलता मिलती है। हमारी तरफ से और टीम न्यू लाइट की तरफ से इस बार हम लोग एक एक टीचर को 20-20 बच्चों को एडाप्ट करने के लिए दे रहे हैं। वो उन 20 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। यू कैन एसेस योर रैंक ऑल इंडिया लेवल। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के बच्चे न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हो रहे हैं
तो आप ऑल इंडिया बेसिस पे अपनी रैंक देख सकते हैं। हम भी बेटा लगातार प्रयास करते हैं कि देखते हैं कि हमसे क्या कमी रह गई पिछले साल में, अगले साल उस कमी को पूरी करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जहां तक रिजल्ट की बात है, आप ये देख सकते हैं 2021 का सुपर एंकर बैच का रिजल्ट, करीब 73 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ये पूरा रिजल्ट है। उसी तरह से बच्चे नीट 2022 में बच्चों ने जो कैलकुलेट किया है, ये उनका पूरा रिजल्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों ने बताया नहीं है, और बताया भी है तो अभी हम इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप SRB बैच को ज्वाइन करिए। इसमें क्या खास बात है कि 13 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, आपको मजा आएगा। बिल्कुल प्लान के हिसाब से कब क्या चीज कराई जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू हो रहा है। ऑनलाइन बैच की फीस बच्चों 10,000 है, और ऑफलाइन की फीस है 15,000 इंक्लूडिंग ऑल टेस्ट। याद रखिएगा, SRB बैच के जो भी बच्चे हैं उनकी फीस बहुत सब्सिडाइज है, और उनके ऊपर इंस्टीट्यूट को कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुका है, वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल हैरान नहीं हो, वो बिना संकोच के SRB बैच ज्वाइन करें। बहुत अच्छा उनको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छी तैयारी होगी, और उनको कॉलेज जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात और बोल दे बच्चों कि अगर SRB बैच में कोई बच्चा एडमिशन लेता है, अगर वो रेगुलर टेस्ट देता है, रेगुलर क्लास कर रहा है, और उसके बाद सेलेक्ट नहीं होता, तो उसकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबको इंतजार था SRB बैच के अनाउंसमेंट का, तो ये बैच का अनाउंसमेंट हो गया। आप इसको ज्वाइन करिए, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत बच्चों।